एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। गोंडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद पुलिस विभाग को महिला सशक्तिकरण अभियान की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। दरअसल एक महिला आरक्षी ने अपने साथी कांस्टेबल पर बलात्कार के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। ये तस्वीर महिला थाने की है जहां एक महिला कांस्टेबल मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात है, जिसे खुद भी कानून पर भरोसा है। तो इसी इकबाल को समाज में कायम करने की इसकी ड्यूटी भी है। तो वही दूसरी तस्वीर उस महिला की है जो है तो इसी विभाग का हिस्सा, लेकिन उसे अपनी फरियाद लेकर भटकना पड़ रहा है क्योंकि उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला हैवान भी उसके विभाग का ही एक साथी है। साथी की दरिंदगी का शिकार महिला कांस्टेबल, साथी सिपाही नहीं बनाया हवस का शिकार, न्याय के लिए भटक रही महिला कांस्टेबल, मिशन शक्ति का जिम्मा महिला कांस्टेबल अशक्त। ये वो अल्फाज है जिनका मजनून इस शिकायती पत्र में दर्ज है। ये हमारे नहीं बल्कि न्याय और कानून की दुहाई देती भटक रही इस महिला कांस्टेबल के आरोप है, जिसके भरोसे उसके साथ दोस्ती और खाकी की मर्यादा को उसी के साथ पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने तार तार कर दिया। 2019 में पीड़ित महिला आरक्षी ने कानून की रक्षा और समाज में महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी संभाली थी। अभी कुछ ही साल हुए थे और वो सिस्टम को समझ रही थी कि उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हादसे के बाद उसकी जिंदगी उन सच्चाइयों से मिली जिसकी वजह से समाज में खाकी बदनाम है। फोन पर बुलाने के बाद अंजाम दी वारदात, कमरा दिखाने का झांसा देकर किया बलात्कार। 10 जनवरी को शिकायत लिए भटक रही कांस्टेबल, सिपाही की करतूत से खाकी के दामन पर दाग। ये शर्मनाक खबर कोंडा जिले से सामने आई है। यहाँ की पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल के मुताबिक उसे रहने के लिए घर की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपने विभाग के साथियों से कमरा दिलाने में मदद के लिए कहा था, जिसको लेकर बीते 10 जनवरी को 2018 बैच का सिपाही अंकित राय का फोन उसके पास आया, जिसमें उसने कमरा दिखाने की बात कही। आरोप है कि जब महिला कांस्टेबल कमरा देखने पहुंची तो सिपाही अंकित राय के इरादे बदल गए और उसने अपनी साथी महिला कांस्टेबल को अपने कमरे में खींचकर जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। हम 10 तारीख को गए थे, अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने। जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया। हमारे संग अंकित राय ने जो दस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मारने की धमकी दी। हमारे साथ उसने रेप किया, हम इस पर बहुत डरे से हम के बैठ गए। फिर हमने अपने घर वालों को फोन पर बुलाया, हमने इसकी जानकारी SSP ऑफिस में, IGRS में, CM में, योगी में, सब में जानकारी इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अंकित राय जो है 19 बैच का सिपाही है, 18 बैच का सिपाही है जो कि पुलिस लाइन में तैनात है। साथी सिपाही अंकित राय की हैवानियत का शिकार हुई महिला कांस्टेबल ने मामले की जानकारी अपने विभाग के साथियों समेत अधिकारियों को भी दी, लेकिन बीते 10 जनवरी के बाद से महिला सिपाही लगातार अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकती रही। अपने ही विभाग में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने SSP ऑफिस में करी, RI को दी, महिला थाने में दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला सामने आने के बाद विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। मीडिया ने जब महिला सिपाही के दर्द को सुना तो अधिकारी भी सक्रिय हुए और उन्होंने कई दिनों से भटक रही अपने विभाग की ही साथी की शिकायत पर आरोपी सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में जितनी शर्मनाक महिला सिपाही के साथ साथी सिपाही की घिनौनी करतूत है, उतनी ही शर्मनाक है न्याय के लिए कई दिनों तक महिला सिपाही का भटकते रहना।
जब विभाग के अंदर हुई वारदात को लेकर अधिकारियों का ये नजरिया है, तो फिर आम महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली वारदातों के बाद पुलिस का क्या रवैया होता होगा, इतना अंदाजा पर लगाने से ही मिशन शक्ति की कामयाबी सवालों से घिरती नजर आ रही है। गोंडा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।